हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब हम बच्चों को डिवीज़न सिखाते हैं तो उन्हें डिवीज़न करना तो आ जाता है, लेकिन वो उसे चेक कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने जो बनाया है वो सही है या नहीं, और उनका आंसर जो है वो सही है या गलत है वो कैसे चेक करें। बहुत इजीली ये वो खुद से कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि उन्होंने जो डिवीज़न बनाया है वो सही बनाया है उन्होंने। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। पहले हमको एक डिवीज़न ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 7316। मैंने 4 डिजिट लिया है, हम इसको 1 डिजिट से ही डिवाइड करेंगे। मेथड सेम होगा सब में, जो भी नंबर हो हम एक ईजी से अभी डिवीज़न ले लेते हैं। मैं यहाँ 5 ले लेती हूँ, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब फर्स्ट टाइम 5 बन जा 5 यहाँ पे हम करेंगे, फिर ये हमारा 2 हो गया। अब हम यहाँ पे 3 लेंगे, अब 5 4 20, फिर यहाँ पे हमारा 3 आया और हम 1 यहाँ पे नीचे लिखेंगे। अब 5 6 30, हमारा 1 यहाँ पे आया और ये 6 हम यहाँ पे नीचे लेंगे। फिर 5 3 15, अब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ये हमारा रिमाइंडर जो आया और क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे कि जो हमने बनाया है वो डिवीज़न सही बनाया है या नहीं, हमारा ये जो क्वेश्चन आया है और रिमाइंडर ये सही है या नहीं है, किस तरह से चेक करेंगे। तो हमें क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है 1 4 6 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, डिवीज़र से। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 15 हो गया, 5 carry 1 गया, 6 5 30 and 1 31 का 1 हो गया, 3 हमारा कैरी गया, 5 4 20 and 3 23 3 गया, 2 carry, 5 1 5 and 2 7, और 1 जो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे है हम इसको ऐड कर देंगे, हमारा 6 1 3 7, ये हमारा डिविडेंड था जो कि आंसर हमारा ये सही है, बिल्कुल सही ये आंसर है हमारा जो क्वेश्चन हमारा आया है। क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर रिमाइंडर कुछ बचा हुआ है तो हम उसे इसमें ऐड कर देंगे, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं है तो एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ये जो हमारा डिविडेंड है। तो इस तरह से हम बच्चों को बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि किस तरह से वो डिवीज़न जब बनाए तो उसको चेक भी कर सकते हैं कि उन्होंने जो बनाया है वो सही है या नहीं है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।